చెప్పినది భారతీయులపై బీజేపీ నేత తరుణ్ విజయ్ చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై పార్లమెంట్లో ప్రతిపక్షాలు నిరసనకు దిగాయి. దీనిపై లోక్‌సభలో కాంగ్రెస్ ఎంపీ మల్లికార్జున ఖర్గే మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. Urging the members to follow the path shown by the great Tamil poet Thiruvalluvar. The play card read, "Let Thiruvalluvar bless us and guide our path in the Parliament." उसी एक मेंबर आप पार्लियामेंट में यह बात कही है. इसलिए अध्यक्ष महोदया मैं यह कहना चाहूंगा, जब उन्होंने अपॉलॉजी टेंडर कर दी है और यह कहा है कि जो कुछ भी मैंने कहा है वह इनडिफेंसिबल है, तो उसके बाद इस सवाल को यहां पर उठाने का कोई औचित्य नहीं है. मैडम स्पीकर, आप जानते हैं कि सिख धर्म सारी दुनिया में है और 1984 में सिखों की इनोसेंट सिखों की किलिंग हुई और बच्चों के गलों में टायर पाके साड़ा गया, जाल जला दिया गया. और आज के गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इन्होंने सीट बिठाई और बहुत सारे सीबीआई के केसेस में वो कल्प्रिट को पकड़ा जा रहा है. मुझे दुख इस बात का है कि उसको वाजपेयी साहब ने, अडवाणी साहब ने, चंद्रशेखर जी ने जेनोसाइड कहा, जन सिंगार कहा. हम धन्यवाद देते हैं अंटोरियो की असेंबली को जिन्होंने इनको जेनोसाइड डिक्लेयर किया. और मुझे दुख है इस बात का कि हमारी सरकार ने, एक बुलारे ने उसको रिजेक्ट कर दिया. मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी को कि एक्स जो फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्समैन है, आज मंत्री जी बैठे नहीं है, वो स्टेटमेंट भी ड्रा होनी चाहिए. अभी खड़गे जी कह रहे थे कि सॉरी होने से क्या पड़ता है. मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे जन श्रृंगार पे इन्होंने सॉरी भी नहीं कहा, इन्होंने अफसोस भी नहीं किया और इन्होंने कंडेम नहीं किया. और हमारे जख्म है, हमारे जख्मों पे अभी मलम नहीं लगाई गई और हमारे बच्चों को घरों में टायर पाके जला दिया गया और किसी ने सॉरी नहीं कही. तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, क्या वो जन श्रृंगार नहीं था? क्या वो इनोसेंट सिखों की किलिंग नहीं थी? क्या उनके उन पे क्या मुकदमे चलाए गए और क्या एक्शन लिया गया? और मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, रेजोल्यूशन हुआ है उस पर जो विड्रा किया जाए, जो हमारी भारत सरकार के स्पोक्समैन ने उसको रिजेक्ट किया है. थैंक यू मैडम. राहुल कासवानी. मिनिस्टर्स अपॉलॉजी. With due respect, sir, this please, is the second time it's happened. Let's get on with the question. It's the second time it's happening. I just please want to let's point get it out. On with this thing. So my question to the honourable minister is this: that in the last couple of months there have been a number of studies which have estimated the morbidity and mortality impacts of air pollution in Indian cities. This question is on air and noise pollution. My question is on air pollution. So, in view of the fact that a large number of studies have estimated the morbidity and mortality impact of air pollution in Indian cities, which have unfortunately been dismissed outright by the ministry concerned, I would like the honorable minister to tell us what steps are the government taking.